नवरात्र चल रहा है और माँ के नौ रूपों की आराधना पूरा देश कर रहा है। लोग माँ की शक्ति में, उनकी भक्ति में लीन हैं। लेकिन इस वक्त आपको एक ऐसी शक्ति पीठ ले जाएंगे जहाँ पर माँ की पूजा बड़े ही आस्था के साथ की जाती है और वहाँ पर भव्य तरीके से श्रृंगार होता है। माँ का मंदिर की सजावट भी देखने लायक होती है और वो है माँ छिन्नमस्तिका का दरबार, जहाँ के सफर पर निकली है बायोस्कोप की टीम। करिश्मा भी हमारे साथ है। करिश्मा, पूरे झारखंड में देखिए अलग अलग पंडाल, पूजा के पंडाल बने हुए हैं, मंदिरों में माँ के अलग अलग रूपों की पूजा हो रही है। माँ छिन्नमस्तिका का जो दरबार है उसकी क्या खास महत्ता है, क्यों लोग चाहते हैं कि एक बार माँ के दर पर जरूर जाएं? जी, आपने सही कहा आसिया कि दुर्गा पूजा राजधानी रांची में काफी भव्य तरीके से मनाई जाती है और यही वजह है आसिया कि दूर दराज से या फिर झारखंड के साथ साथ अलग जो स्टेट है वहां से भी लोग आते हैं और यहाँ पर पंडालों में पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन साथ ही साथ राजधानी रांची के अगल बगल में भी कई ऐसे मंदिर है जहां पर लोग जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उस मंदिर की खासियत भी लोगों को पता रहती है। लेकिन आज हम छिन्नमस्तिका मंदिर जा रहे हैं और इसकी मान्यता जो है वो काफी है और ऐसे में लोग जो है उनका कहना होता है कि वहां पर आप जो भी मान्यता लेकर जाइएगा वो मान्यता पूरी भी होती है। तो वहां पर हर रांची से पतरातू और रामगढ़, उसके बाद रचपा तक का सफर करते हुए हमारी टीम पहुंच गई है माँ छिन्नमस्तिका के दरबार में और आप देख सकते हैं नवरात्र में यहाँ की खूबसूरती किस तरह से माँ के दरबार को आकर्षक फूलों से सजाया गया। हर साल यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ फूलों से भव्य श्रृंगार होता है माँ के साथ पूरे मंदिर परिसर का और आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर फूलों से माँ के मंदिर को सजाया गया है। और थोड़ी देर में जब सूरज ढलेगा उसके बाद जो लाइटिंग आपको नजर आएगी ना वो बेहद आकर्षक होगी और वो देखने में वाकई किसी का भी मन मोह लेगी। बहुत मान्यता है इस मंदिर में, लोगों की दूर दूर से लोग पहुंचते हैं क्योंकि ये शक्ति पीठों में से एक है, इसलिए इस शक्ति पीठ में लोग माँ के दर्शन करने पहुंचते हैं, अपनी मन्नतें मांगने के लिए पहुंचते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ मांगी गई तमाम मन्नतें पूरी होती हैं। आप सजावट देख सकते हैं, ये मंदिर परिसर के बाहर की ये तस्वीर है किस तरह से यहाँ पर सजावट की गई है। और ये नूतन दिखाइएगा जितने आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये जो घंटियाँ टंगी हुई हैं ये भी जब किसी की मन्नत पूरी होती है तो लोग यहाँ पर आकर घंटी, चुनर ये सब टांगते हैं। और एक और चीज़ आकर्षक जो इस मंदिर की चीज़ है वो आपको दिखाएंगे यहाँ पर। देखिए, चूंकि अभी नवरात्र चल रहा है तो श्रद्धालुओं की भीड़ भी काफ़ी है, ऐसे यहाँ सालों भर ही श्रद्धालुओं की भीड़ रहती। ये जो आप देख रहे हैं ये मन्नत का धागा लोग यहाँ पर बांधते हैं। आपके मन में जो मन्नत आपको मांगनी है, जो मुराद आप चाहते हैं कि वो मन्नत पूरी हो, तो यहाँ पर आकर इस खूंटे में लोग धागा और पत्थर बांधते हैं और जैसे ही मन्नत पूरी होती है तो आकर यहाँ से पत्थर और धागा खोल देते हैं। तो ये विश्वास है यहाँ पर लोगों का, वो पहुंचते हैं दूर दूर से हमारे छिन्नमस्तिका के दरबार में, चाहे जितने रिचुअल्स होते हैं, चाहे मुंडन कराना हो या नई गाड़ी किसी ने खरीदी हो या माँ के दर्शन करने हैं या फिर मनोकामनाएं पूरी करानी है, तो लोग यहाँ पहुंचते हैं। और चूंकि शक्तिपीठ है यहाँ पर बलि भी लोग देते हैं जब मन्नतें पूरी होती हैं, तो और वो जगह भी आपको दिखाएंगे, वो जगह आपको दिखाएंगे जहाँ पर बलि दी जाती है। ये वो स्थान है, ये वो जगह है जहाँ पर मन्नत पूरी होने के बाद लोग बलि देते हैं। बेदी भी लगी हुई है आप देख सकते हैं और प्रसाद के रूप में फिर उसे ग्रहण किया जाता है। काफ़ी मान्यताएं हैं इस मंदिर की और हमेशा सालों भर इसी तरह भीड़ यहाँ लगी रहती है। और ये आकर्षक सजावट भी आपको हम दिखाएंगे जो नवरात्र के समय पर यहाँ पर की खूबसूरती को चार चांद लगाती है और फूलों से ये सजावट की गई है। देखिए आप कितनी
खूबसूरती से मंदिर को हर साल सजाया जाता है, आकर्षक फूलों से। कई बार विदेशों से भी फूल यहाँ मंगाए जाते हैं। और देखिए, जय माता दी फूल से ही, गुलाब के फूलों से लिखा गया है और बहुत ही आकर्षक तरीके से इधर आप देख सकते हैं फूलों से जो सजाया गया है। नूतन ऊपर भी दिखाएंगे किस तरह पूरे शेड को कवर किया गया है फूलों से। ये नवरात्र के समय की स्पेशल सजावट है। ये पत्तों और फूलों से पूरे मंदिर को सजाया जाता है और ये बहुत ही आकर्षक होता है नवरात्र के दौरान। ये देखना, पूरे परिसर में इसी तरह की सजावट आपको नजर आएगी। हमारे साथ एक श्रद्धालु भी जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं आप नवरात्र इसलिए पहुंचे या हमेशा माँ के दरबार में आपकी श्रद्धा हमेशा आते हैं? नहीं, हम लोग हमेशा आते रहते हैं और अभी माँ का जो है समय चल रहा है तो इसमें वाजिब है आना। अच्छा, तो नवरात्र इसलिए माँ के दर पे आना जरूरी है? आना चाहिए, अगर आप हिंदू हैं और माँ में श्रद्धा रखते हैं तो जरूर आना चाहिए। मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं? देखिए, मनोकामनाएं तो निश्चित तौर पे पूरी होती हैं लोगों की, तभी तो यहाँ भीड़ भी बढ़ी हुई है। आप रांची से आए हैं? नहीं, मैं बोकारो से हूँ। तो देखिए, पूरे प्रदेश भर के अलावा जो बाहर से भी लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो भी यहाँ आते हैं। आप बताना चाहेंगे कितनी आस्था है आपकी इस मंदिर में? मैडम, बहुत आस्था है हम लोगों के इस मंदिर से। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम जमशेदपुर से हैं। जमशेदपुर से खास मंदिर में यहाँ माँ के दर्शन के लिए आए? नवरात्रि व्रत रहता है, बट एक दिन हम लोग जरूर आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। ये शक्तिपीठ है इस वजह से या फिर कोई खास मान्यता? नहीं, कुछ ऐसा खास मान्यता नहीं, बस शक्तिपीठ है। ऐसा लगता है कि नवरात्रि में एक बार दर्शन कर लेंगे, माँ के पास चले जाएंगे। और ये मन में होके आता है कि मतलब अगर मतलब 9 दिन का फास्टिंग है तो कहीं आने जाने का मन भी नहीं करता है, बट रहता है कि अगर माँ के ऊपर विश्वास अगर रहेगा तो हम माँ के दर्शन कर ही लेंगे। और हर साल होता है, हर साल आते हैं, हर साल दर्शन होता है। आप भी जमशेदपुर से आए? नहीं, हम रांची से आ रहे हैं। रांची से आए हैं, आपकी कितनी श्रद्धा है? बहुत श्रद्धा है मैम, हम लोग पूजा करने के लिए यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम लोग वर्किंग करते हैं। उसके बाद हम लोग का प्लान रहता है हर साल नवरात्रि में यहाँ आने का, तो आ रहे हैं दोनों आदमी, मेरे मैनेजर हैं हम उनके साथ। तो देखिए किस तरह आस्था लोगों की है और दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, ना सिर्फ झारखंड से बल्कि दूसरे दूसरे राज्यों से भी रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका के दरबार में श्रद्धालु पहुंचते हैं, भक्त पहुंचते हैं अपनी मान्यताओं को पूरा करने के लिए, अपनी मन्नतों को मनवाने के लिए माँ के दर पर ये तमाम श्रद्धालु पहुँचते हैं। देखिए माँ के आकर्षक दरबार जो सजा है उसकी तस्वीर लेने की भी कोशिश। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। आप बिहार से इतनी दूर माँ के दर्शन करने आए? हाँ जी। बिहार में कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से। बेगूसराय से आप सिर्फ माँ के दर्शन करने के लिए बेगूसराय आए हैं? कुछ खास मन्नत थी या नवरात्र है तो माँ के दर्शन? नवरात्र में माँ के दर्शन करने के लिए। श्रद्धा इसे कहते हैं, बेगूसराय से यहाँ पहुंचे हैं सिर्फ माँ के दर्शन करने के लिए। कोई मान्यता नहीं है, बस आस्था है और श्रद्धा है जो माँ के दर पर इन्हें खींच लाई है। हमारे सहयोगी करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, ये जो माँ का दरबार है, यहाँ बहुत लोगों की आस्था है, मन्नतें हैं और देखिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, ना सिर्फ प्रदेश भर के, ना सिर्फ रांची से बल्कि पूरे भारत से। जो अगर चाहता है कि वो शक्तिपीठ में जाए, माँ के दर्शन करे, तो यहाँ भी जरूर आना चाहता है। जी देखिए, जाहिर सी बात है कि शक्तिपीठ है और ऐसे में लोगों का ये होता है कि अगर 9 दिनों का वो व्रत रखे, 9 दिनों का अगर वो पूजा उपासना रख रहे हैं तो एक बार वो छिन्नमस्तिका है। और ऐसे में लगातार आप आसिया लोगों से बातचीत कर रही हैं, श्रद्धालुओं से बातचीत कर रही हैं, उनका भी स्पष्ट रूप से कहना है कि कोई मन्नत नहीं है, सिर्फ श्रद्धा है और श्रद्धा से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, माता रानी का दर्शन पा रहे हैं। लेकिन यहाँ की मान्यता बहुत पुरानी है। लोगों का कहना होता है कि जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, जो मन्नत लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं, वो मन्नत पूरी भी होती है और यही वजह है आसिया कि लोग दूर दराज से यहाँ पर पहुँचते हैं। कुछ महिलाएं भी, एक मिनट मैम इधर आइएगा। आप लोग कहाँ से आई हैं माँ के दर पर? रांची से। रांची से आई? हमेशा आती हैं? नहीं, फर्स्ट सेकंड टाइम आए हैं। अच्छा, सेकंड टाइम आए। कुछ खास मान्यता या नवरात्र है इसलिए माँ के दर्शन करने आई हैं? नवरात्र है इसलिए। तो देखिए नवरात्र के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की और भीड़ बढ़ जाती है। आप कहाँ से आई मैम? हम लोग सब रांची से, हम लोग ग्रुप आए हैं। अच्छा। हम लोग फ्रेंड्स हैं तो हम लोग आज का दिन पांचवा दिन छिन्नमस्तिका का ही होता है नवरात्र में भी, तो हम लोग कोइंसिडेंस था कि हम लोग का जाना हो गया सडनली, तो माँ ने बुलाया तो आप लोग पहुँच गई हैं। आपकी कितनी आस्था है इस मंदिर में? बहुत 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 आस्था है। 5 साल पहले आए थे, फिर वापस से फिर आना पड़ा। आज इन लोगों के साथ हम लोग ग्रुप में आ गए। चलिए, तो देखिए किस तरह आस्था लोगों की
है माँ के माँ पर, और चूंकि ये माँ का ये पूरा अभी चल रहा है 9 दिनों का, माँ की आराधना कर रहे हैं लोग, शक्ति की आराधना कर रहे हैं और शक्ति की पूजा के लिए लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। करिश्मा, दूर दराज से लोग पहुँचते हैं सिर्फ इसलिए कि माँ मनोकामनाएं उनकी पूरी करती हैं, शक्तिपीठों में से एक है, लेकिन और कुछ और मान्यता होगी इस मंदिर को लेकर यहाँ पर जो शक्तिपीठ स्थापित है, क्या कुछ और जानकारी? जी देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है आसिया की, कहा जाता है कि जो लोगों की मनोकामना पूरी नहीं होती है लोग यहाँ पर पहुँचते, और कहा जाता है कि यहाँ पर आप माँ से जो कुछ मांगो दिल खोल कर माँ वो देती है, और यही वजह है कि आप नीचे भी हमारे दर्शकों को दिखाए होंगे कि नीचे एक मन्नत धागा बांधा जाता है। आसिया लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, मन्नत धागा बांधते हैं और जो उन्हें माँ से मांगना होता है वो मांगते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि कई लोग जो है उस धागा को खोलने आते हैं। धागा खोलने का कारण भी यही है कि जो लोगों का मन्नत जो है पूरा हो जाता है, लोग आकर धागा खोलते हैं और सीधा यहां से जो नदी है भैरवी नदी, वहां पर जाकर उसे बहा देते हैं। तो कह सकते हैं मान्यता बहुत है आसिया। अगर हम यहां के पुजारी से बात करेंगे तो शायद वो बहुत डीपली हमें बता देंगे कि आखिर यहां की मान्यता है क्या, आखिर लोगों का जुड़ाव इस मंदिर से इतना है क्यों, क्योंकि सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार से भी लोग यहां पर पहुंचते हैं, बिहार नहीं वेस्ट बंगाल उड़ीसा कई लोग यहां पर पहुंचते हैं, और उनका सिर्फ यही होता है कि यहां आकर उन्हें बहुत अलग महसूस होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि माँ उन्हें बुलाई है और बच्चे जो है उनके पास आए हैं। तो आप भी लगातार श्रद्धालुओं से बात कर रही थी, उनका भी यही कहना था, माँ बुलाई है और बच्चे जो है उनके पास पहुंच आए हैं। क्या करते हैं आसिया, बोट में बैठते हैं और पूरा शेयर करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आप अगर वहां पर शेयर कीजिएगा तो आपको बहुत अलग सा महसूस होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से महसूस होगा। और न्यूज़ 22 को इससे पहले भी लगातार अपने दर्शकों को ये दिखाने और बताने की भी कोशिश कर रही थी कि अगर आप उस बोट में बैठते हैं तो आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलेगा, झरना देखने को मिलेगा, और झरने की जो छींटे हैं वो जब आपके गालों में पड़ेगी तो एक अलग सा आपको जो महसूस होगा वो हम लगातार। ये सुना के इतना एक्साइटेड कर दिया है कि वो दामोदर और भैरवी का संगम आपको भी दिखाते हैं कि जब आप मंदिर आए तो वो भी उसके बिना तो अधूरा ही है, या तो आप मंदिर से स्नान करते हुए मंदिर आए वहां से स्नान करते हुए, या फिर आप जाने के टाइम तो एक बार जरूर दामोदर और भैरवी के संगम में जाएं और देखें कि वो दृश्य कितना मनमोहक लगता है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। माँ के दरबार के अलावा एक और यहाँ जो देखने लायक चीज है वो है दामोदर और भैरवी का संगम। तो इस जिस चट्टान पर मैं बैठी हूँ ये भैरवी नदी के ऊपर है, और ठीक मेरे पीछे वहाँ दामोदर नदी है, और देखिए भैरवी यहाँ से उतरकर दामोदर नदी में मिल रही है। तो कितना अच्छा ये संगम स्थल है, और इसकी पौराणिक का महत्व भी है, पौराणिक आस्थाएं मान्यताएं बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों की आस्था भी है कि इस संगम में स्नान करने से कई तरह के फायदे होते हैं, और जो लोग माँ के दर पर आते हैं इसमें स्नान करके उसके बाद माँ की पूजा करने जाते हैं। करिश्मा भी है हमारे साथ। करिश्मा, ये यहाँ पर आके बड़ा सुकून लगता है कि आप माँ के दर्शन भी कर लिए और उसके बाद इस खूबसूरत वादी में थोड़ा वक्त भी बिता लिया। हाँ आसिया, सही कहा आपने कि माँ का पहले आप पूजा अर्चना कर लीजिए, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि शहर से बिल्कुल दूर आप यहाँ पर एकदम शांति से आप बैठिएगा और माँ की आराधना भी यहाँ पर आकर कर सकते हैं। कि जब आप छिन्नमस्तिका पहुँचिएगा, यहाँ पर पूजा अर्चना कीजिएगा, तो लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर बैठते हैं और सीधा माँ का ध्यान भी करते हैं। तो लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप जब यहाँ पर पहुँचिएगा तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, शहर से एक तो दूर, ऊपर से आपको सिर्फ यहाँ पर पानी ही पानी दिखेगा, तो आपको कहीं ना कहीं ये जो दृश्य है आपको अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। और जिस तरीके से लगातार हमारे कैमरा सहयोगी आपको वो तस्वीरों से रूबरू करवा रहे हैं ताकि आप तक वो तस्वीर पहुंच पाए, जो लोग आज तक छिन्नमस्तिका मंदिर नहीं पहुंचे, ऐसे बहुत लोग हैं जो मन्नत लेते हैं और जब तक मन्नत उनकी पूरी नहीं होती है वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो कई लोगों को ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और कभी ऐसा आप लोगों का प्लान है कि यहाँ पर पहुंचे, तो देखिए यहीं पर आपको पहले स्नान करना होगा, फिर आप माता रानी के दरबार पहुंचिएगा और वहाँ पर पूजा अर्चना कीजिएगा। बिल्कुल नूतन दामोदर नदी भी दिखा दीजिए, किस तरह भैरवी और दामोदर का संगम हो रहा है। यहाँ से जैसा हमने आपको पहले दिखाया कि ये भैरवी नदी के चट्टान पर हम बैठे हुए, भैरवी नदी है ये,
और ये कलकल करती धारा सीधे जाकर दामोदर नदी में मिल रही है। पुल के नीचे आप जो देख पा रहे हैं वो दामोदर नदी है। तो किस तरह ये एक संगम स्थल के ऊपर ये शक्तिपीठ है मान्यताओं के साथ, यहाँ पर आकर्षक मनमोहक दृश्य भी आपको दिखेंगे। लोग दूर दराज से पहुँचते हैं क्योंकि उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक ये माँ छिन्नमस्तिका का दरबार है और लोग यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है कि जब माँ के अंग अलग अलग जगहों पर गिरे थे तो यहाँ पर माँ का मस्तिष्क गिरा था और माँ छिन्नमस्तिका, इसलिए इसे नाम पड़ा, इस मंदिर का नाम पड़ा है। और बहुत पुरानी ये मंदिर है, लोगों की अटूट आस्था है इस मंदिर में और दूर दराज से लोग पहुँचते हैं। हम और आसिया बैठे हुए हैं, लोग जो है हम लोगों को देख रहे होंगे तो उनको ऐसा लग रहा होगा कि अगर हम छिन्नमस्तिका मंदिर जाएंगे आसिया तो यहाँ पर जरूर बैठेंगे। तो ये एक तरह से रिस्की भी हो सकता है क्योंकि चट्टान जो है वो काफी फिसल है और ऐसे में हम बहुत संभल कर आए, क्यों आसिया? बिल्कुल, थोड़ी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि कहा जाता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, लेकिन फिर भी आप थोड़ा एहतियात बरतें तो आप आराम से यहाँ परिवार के साथ इस मंदिर में बीच में इस तरह सुकून के पल गुजार सकते हैं माँ के दर्शन के साथ। तो अध्यात्म के साथ ही धार्मिक आस्था के साथ ही आपको एक प्रकृति के करीब भी ये जगह लाती है जो वाकई काफ़ी खूबसूरत और मनमोहक है। तो नवरात्र में आपको हमने आज माँ के एक रूप का दर्शन कराया है, माँ छिन्नमस्तिका का दर्शन कराया है। जिस तरह से इसकी सजावट है आपको भी देखकर जरूर मन कर रहा होगा कि माँ के दर पर एक बार जरूर आए। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हम दोनों को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखते रहिए न्यूज़ 22 को। विशेष त्योहार या हो रोज के स्वास्थ्य की बात, सुधा के उत्पाद इतने शुद्ध, इतने स्वादिष्ट, दिल चाहे इसे ही बार बार। सुधा डेयरी के दूध, दही, लस्सी और अन्य उत्पाद के लिए पधारे रांची के सुधा पार्लर। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।